हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 10 दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 127 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग नंबर्स को कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखने के लिए हम लोग डेसिमल पॉइंट को उस जगह पर सेट करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट नंबर हो। ठीक है, पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए नंबर का, और पॉइंट के बाद कितनी भी डिजिट हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ 2.30765। ठीक है, और इनटू 10^10 प्लस या माइनस में कोई नंबर हो सकता है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक चीज ध्यान देना कि डेसिमल पॉइंट के पहले जीरो नहीं होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट के पहले जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से कोई नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए हम नंबर को लिखते हैं। यहाँ पे है 0.00000564। तो पॉइंट को कहाँ लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5.64। ये इतना छोटा नंबर था, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, ये बहुत छोटा नंबर है। इसको मैंने बड़े नंबर में कन्वर्ट किया है। ये बड़ा नंबर है ना। डेसिमल नंबर को कंपेयर करना तो आप लोग जानते ही होंगे। कैसे करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर को कंपेयर? यहाँ पे मैं दो डेसिमल नंबर लिख रही हूँ, 3.57 और 0.56। ये मैंने दो डेसिमल नंबर लिखा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं होल पार्ट, होल पार्ट। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल नंबर को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग होल पार्ट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए होल पार्ट में 3 है और यहाँ पे होल पार्ट में 0 है। अगर होल पार्ट से ही आप कंपैरिजन कर पा रहे हो तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहीं से देख पा रहे हैं होल पार्ट से ही कि ये नंबर बड़ा है, 0 से 3 बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से बड़ा है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल पार्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम लोग डेसिमल का कंपेयर करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ होल पार्ट में 0 है और यहाँ होल पार्ट में 5 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला। ये बहुत छोटा नंबर था, इसको मैंने बड़े नंबर में कन्वर्ट किया है, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10^10 माइनस करते हैं, और पावर कितनी होगी? जितना प्लेस आपने डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट किया है, तो कितना शिफ्ट किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 प्लेस राइट साइड शिफ्ट किया है, तो पावर हो जाएगी 10^-7। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड, 0.00000021 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पॉइंट को यहाँ लगाना पड़ेगा, हो जाएगा 2.1। ये बहुत छोटा नंबर था, इसको मैंने बड़े नंबर में कन्वर्ट किया, ये बड़ा नंबर है ना, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है तो इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए हम लोग 10^10 माइनस करते हैं, पावर कितनी होगी? जितना डेसिमल पॉइंट आपने राइट साइड शिफ्ट किया है, कितने प्लेस शिफ्ट किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हुआ है, पावर हो जाएगी 10^-6। थर्ड, 2160000000 इस नंबर में डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। किसी भी नंबर के आगे हम पॉइंट जीरो लगा सकते हैं, अभी पॉइंट यहाँ पे है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पॉइंट को यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना, ये हो जाएगा 2.16 इनटू। ये बहुत बड़ा नंबर था, इसको मैंने छोटे नंबर में कन्वर्ट किया। ये बड़ा नंबर था ना, इसका होल पार्ट बहुत बड़ा है, इसका होल पार्ट 2 है, तो ये बहुत बड़ा नंबर था, इसको मैंने छोटे नंबर में कन्वर्ट किया, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए 10^10 पॉजिटिव करेंगे। अब पावर कितनी होगी? जितना आपने डेसिमल पॉइंट जितने प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है डेसिमल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है ना, हो जाएगा 10^+7। हम लोग प्लस लिखते नहीं है, ठीक है, तो 10^7। फोर्थ,
15240000। अभी यहाँ पे डेसिमल है, 0.0 हम लिख सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल यहाँ लगाएंगे, 1.524 इनटू, ये बड़ा नंबर था छोटे नंबर में कन्वर्ट किया, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हम लोग 10 की पावर पॉजिटिव करते हैं, और पावर कितनी होगी, जितने प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है ना, तो पावर हो जाएगी 10^7। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया सारे नंबर को, लिख लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्ट्स गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए आपकी बुक में कुछ फैक्ट्स गिवन है, पेज नंबर 126 पर 12 फैक्ट्स गिवन है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 1506000000 मीटर। अर्थ से सन की डिस्टेंस गिवन है इतना मीटर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हम लोगों को आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट को यहाँ लगाना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, हो जाएगा 1.506, इसके बाद तो जीरो ही जीरो है, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1.506। ये बहुत बड़ा नंबर था, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, किसी नंबर के आगे हम 0.0 लगा सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। ये बहुत लार्ज नंबर था, इसको मैंने इतने छोटे से नंबर में कन्वर्ट किया है, बट मुझे इसी के बराबर लिखना है, तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की पावर पॉजिटिव करते हैं, 10 की पावर पॉजिटिव करते हैं, और पावर कितनी होगी, तो जितना प्लेस आपने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, काउंट करिए कितने प्लेस शिफ्ट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 प्लेस शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर हो जाएगा +11, +11 का मतलब 11 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, 1.506 इंटू 10^11 मीटर। सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इज 300000000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लाइट की स्पीड दी है इतना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, चलिए लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3.0। इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, किसी भी नंबर के आगे 0.0 लगा सकते हैं। ये इतना बड़ा नंबर था, इसको मैंने इतने छोटे से नंबर में कन्वर्ट किया है, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है, इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हम लोग 10 की पावर पॉजिटिव करते हैं, 10 की पावर पॉजिटिव कितना होगा, कितनी पावर होगी, तो जितना प्लेस आपने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, कितना शिफ्ट किया है काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्लेस आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो पावर हो जाएगी +8, प्लस हम लोग लगाते नहीं, 10^8, और यूनिट आप लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। थर्ड, थिकनेस ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक इज 20 mm। क्लास 8 के मैथमेटिक्स बुक की थिकनेस गिवन है 20 mm, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 2.0, इसमें पॉइंट कहाँ पे है, तो 20 को मैं 20.0 लिख सकती हूँ, 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 20.0, ठीक है। 20 बड़ा नंबर था, इसको मैंने छोटे नंबर में कन्वर्ट किया है, बट मुझे इसी के बराबर लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा नंबर को। बढ़ाने के लिए 10 की पावर पॉजिटिव करते हैं, और पावर कितनी होगी, जितना आपने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, तो कितना प्लेस शिफ्ट किया है, 1 प्लेस ही तो शिफ्ट हुआ है, तो पावर कितनी होगी, 1, और हम लोग प्लस लिखते नहीं है, 10^1 हो जाएगा, ओके, 2.0 इंटू 10^1, और यूनिट आप लोग लिख देना mm। फोर्थ, द एवरेज डायमीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज 0.000007 मीटर। रेड ब्लड सेल की डायमीटर गिवन है 0.000007 मीटर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, चलिए लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, है ना, 7.0, पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है, तो 7.0 इंटू,
ये देखिए ये इतना छोटा नंबर था, ये बहुत छोटा नंबर है, इसको मैंने बड़े नंबर में कन्वर्ट किया है। ये छोटा नंबर था, इसको मैंने बड़े नंबर में कन्वर्ट किया है, बट मुझे इसी के बराबर बनाना है, तो इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए हम लोग 10 की पावर निगेटिव करते हैं, और पावर कितनी होगी, जितना डेसिमल पॉइंट, जितने प्लेस राइट साइड शिफ्ट हुआ है। तो काउंट करिए कितना प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो पावर हो जाएगी 6, 7.0 × 10⁻⁶ मीटर। नाउ फिफ्थ, द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इज इन द रेंज ऑफ 0.005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर। ह्यूमन हेयर की थिकनेस की रेंज दी गई है 0.005 टू 0.01 सेंटीमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो पॉइंट यहां लगाएंगे, हो जाएगा 5.0 × 10⁻⁶। देखिए ये छोटा नंबर था, इसको मैंने बड़े नंबर में कन्वर्ट किया, बट मुझे इसी के बराबर बनाना है, तो नंबर को छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए हम लोग 10 की पावर माइनस करते हैं, और पावर कितनी होगी, जितना डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हुआ है। तो कितना प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है, हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर। 0.01 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा 1.0 × ये छोटा नंबर था, इसको बड़ा नंबर बनाया, ठीक है, तो इसको मुझे इसी के बराबर बनाना है, तो छोटा करना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस करनी पड़ेगी, और पावर कितनी होगी, जितना डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हुआ है। तो कितना शिफ्ट हुआ है, 1, 2 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो हो जाएगा 10⁻²⁰ सेंटीमीटर। 6, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 384,467,000 मीटर अप्रोक्स, है ना। मून से अर्थ की डिस्टेंस गिवन है इतना मीटर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो हो जाएगा, पॉइंट यहां लगाएंगे, पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, तो पॉइंट यहां लगेगा 3.84 देखिए ये इतना बड़ा नंबर है, यहां पे पॉइंट कहां पे है, तो यहां पे है पॉइंट, यहां पे है पॉइंट, पॉइंट जीरो, है ना, किसी भी नंबर के आगे हम पॉइंट जीरो लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर था, इसको मैंने इतने छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर दिया, है ना, बट मुझे इसी के बराबर नंबर लिखना है, तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हम लोग 10 की पावर पॉजिटिव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर हो जाएगी कितनी, जितना प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है। तो काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 प्लेस शिफ्ट हुआ है, हो जाएगा 10⁸। और यूनिट लिख दीजिए क्या, मीटर। 7, द साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.0001275 मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, चलिए लिखिए, पॉइंट यहां पे आ जाएगा 1.275। ये देखिए बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, बहुत छोटा नंबर है, इसको मैं बड़े नंबर में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये बहुत छोटा नंबर है, इसको मैंने बड़ा नंबर बनाया, तो इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसी के बराबर बनाना है, तो इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए हम लोग 10 की पावर माइनस करते हैं, और पावर कितनी होगी, जितने प्लेस आपने डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट किया है, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हुआ था ना, पॉइंट यहाँ पे लगा है, ठीक है, तो हो जाएगा 10⁻⁵। और यूनिट लिख दीजिए क्या, मीटर। 8, एवरेज रेडियस ऑफ द सन इज 695,000 किलोमीटर, ठीक है, सन की एवरेज रेडियस गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 6.95। इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे है, तो पॉइंट यहाँ पे है, ये यहाँ पे 0.0 किलोमीटर, ठीक है। ये इतना लार्ज नंबर था, इसको मैंने छोटे से नंबर में कन्वर्ट किया, ठीक है, बट मुझे इसी के बराबर नंबर लिखना है, तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हम लोग 10 की पावर पॉजिटिव करते हैं, कितनी, जितना प्लेस आपने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस शिफ्ट किया है ना,
तो हो जाएगा 10^5 और यूनिट लिख दीजिए क्या, किलोमीटर। 9th, मास ऑफ प्रोपेलेंट इन अ स्पेस शटल सॉलिड रॉकेट बूस्टर इज 503600 किलोग्राम। ठीक है, स्पेस शटल सॉलिड रॉकेट बूस्टर में जो प्रोपेलेंट होता है उसका मास गिवन है 503600 किलोग्राम। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, चलिए लिखते हैं। ये हो जाएगा 5.036, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 5.036 इंटू 10^10। अब देखिए ये इतना बड़ा नंबर था, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है ना, 0.0 किलोग्राम, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, ये बड़ा नंबर था, इसको मैंने छोटे नंबर में कन्वर्ट किया, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हम लोग 10^ पॉजिटिव करते हैं, और पावर कितनी होगी, तो जितना प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो पावर हो जाएगी 10^5 और यूनिट लिख दीजिए क्या, किलोग्राम। 10th, थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इज 0.0016 सेंटीमीटर। पीस ऑफ पेपर की थिकनेस से इतना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं, पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा 1.6। ये छोटा नंबर था, इसको मैंने बड़े नंबर में कन्वर्ट किया, बट मुझे इसी के बराबर बनाना है तो इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए 10^ माइनस करते हैं, और पावर कितनी होगी, जितना आपने डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट किया है, तो कितना शिफ्ट किया है, 1, 2, 3 प्लेस शिफ्ट किया है, तो पावर हो जाएगी 3 माइनस 3 और यूनिट लिख दीजिए क्या, सेंटीमीटर। 11th, डायमीटर ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप इज 0.0000003 मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट को यहां लाना पड़ेगा, हो जाएगा 3.0 इनटू, ये इतना छोटा नंबर था, इसको मैंने बड़ा नंबर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, बट मुझे इसी के बराबर नंबर बनाना है तो इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए हम लोग 10^ माइनस करते हैं, और पावर कितनी होगी, जितना प्लेस डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हुआ है, तो काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो हो जाएगा 10^-6 मीटर। 12th, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, चलिए लिखते हैं, पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, हो जाएगा 8.848 इनटू, पॉइंट यहाँ पे, इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, 0.0 मीटर, है ना, पॉइंट यहाँ पे है। ये इतना बड़ा नंबर था, इसको मैंने छोटे नंबर में कन्वर्ट किया, बट मुझे इसी के बराबर नंबर चाहिए तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हम लोग 10^ पॉजिटिव करते हैं, 10^ पॉजिटिव करते हैं, पावर कितनी होगी, जितना डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, जितना प्लेस, काउंट करिए कितना प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो 10^3 और यूनिट है मीटर। ये हो गया इसका आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।